यानी ये वो 110 सीटें हैं जिस पर अगर वोटर्स थोड़ा भी इधर से उधर हुआ तो पूरी सरकार की सूरत बदलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन 110 सीटें कुछ ऐसी हैं जहां पर धन बल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि साम दाम दंड भेद पार्टियां कुछ भी लगाती नजर आएंगी, और यही वजह कि चुनाव आयोग यहां पर नजर जमाए हुआ है कि वोटर्स को प्रभावित करने का शक है। निगरानी के लिए अफसर यहां पर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान किस सीट पर या कहीं कि किस राज्य में कितनी सीटें ऐसी हैं जहां पर धन बल के प्रयोग की आशंका बनी हुई है, ओवरऑल देखें 110 सीटें, लेकिन क्या राजस्थान की भी कोई सीट अति संवेदनशील इस मामले में आ रही है, ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने देश भर में ऐसी 110 सीटों की पहचान की है जो खर्च के मुताबिक संवेदनशील है या धनबल के दम पर आगामी लोकसभा चुनाव में इन सीटों के प्रभावित होने की आशंका है। आयोग ने अपने नए डेटा में इस बात की जानकारी दी। डेटा के मुताबिक खर्च के मामले में संवेदनशील सीटों की संख्या 150 से ज्यादा हो सकती है। भारत में निचले सदन यानी लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 543 है। सुरक्षा के लिहाज से और अन्य कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक कई चरणों में कराने का फैसला लिया है। तमिलनाडु में सभी लोकसभा सीटों और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक और गुजरात में आधे से ज्यादा सीटों की व्यय संवेदनशील के रूप में पहचान की है। खास बात यह है कि चुनाव आयोग ने इनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 2 अफसरों को भेजने का फैसला लिया है ताकि जमीनी स्तर पर ट्रैकिंग गतिविधियों के लिए समर्पित स्पेशल टीमें बनाई जा सके। चुनाव आयोग ने मल्टी डिपार्टमेंट इलेक्शन इंटेलिजेंस कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी इन लोकसभा चुनाव में अवैध पैसे के इस्तेमाल पर नजर रखेगी। MDIC की पहली मीटिंग 15 मार्च को हुई। आयोग को फीडबैक में पता चली कई चौंकाने वाली जानकारी। 112 सीटों पर राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार मतदाताओं को दे सकते पैसों का लालच, मतदाताओं को ड्रग्स, शराब और घरेलू सामान फ्री में देने का भी लालच दिया जा सकता है। आयोग का ये आकलन राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के CEC से मिली जानकारी पर आधारित है। गुजरात की 28 विधानसभा सीटें और लोकसभा की 26 में 18 सीटों पर आयोग की नजर रही। इसी तरह कर्नाटक की 28 सीटों में से 12 सीटों पर आयोग की नजर रही। खर्च के लिहाज से उत्तराखंड की 5 में से 4 और जम्मू कश्मीर की 6 में से 2 सीटें संवेदनशील मानी गई। हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा की 1-1 सीट पर आयोग की नजर रहेगी। राजस्थान और पंजाब की 5-5 सीटों पर आयोग की नजर रहेगी। तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य की सभी 39 सीटों के लिए खर्च पर्यवेक्षक मांगे हैं। चुनाव आयोग ने साल 2017 में RK नगर विधानसभा चुनाव पर चुनाव रद्द कर दिया था। इसके अलावा साल 2016 में राज्य की 2 विधानसभा सीटों के चुनाव की तारीख भी आगे खिसका दी थी, चूंकि तब अधिकारी ने बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की थी। इसके अलावा चुनाव में पैसे के खेल के लिए कुख्यात आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों में से 116 और 25 लोकसभा सीटों में से 16 सीटों पर आयोग खासी निगरानी रखेगा। इसी राज्य से अलग होकर बने तेलंगाना की 17 सीटें चुनाव में खर्च के लिहाज से खूब संवेदनशील मानी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।